माननीय चेयरमैन मैडम, आज मैं बहुत व्यथित होकर यहाँ खड़ा हूँ। 12 मार्च को बेलगांव में हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख पर हमला हुआ और ये हमला जिस ढंग से, ये कोई तरीका नहीं, इनको बोलने की आप इजाजत दीजिए बाद में। ये मुझे जब ये रोकते हैं इसका मतलब आप समझ लीजिए मैडम, मुझे जब रोक रहे तब समझ लीजिए मैडम। हमारे प्रकाश एक मिनट शिरोडकर करके शिवसेना के जिला प्रमुख है बेलगांव के, और तेजम करके उपशहर प्रमुख है, उनके ऊपर हमला हुआ मैडम, आप जानती हो। अरविंद जी बोल सकते हैं मैं, हाँ वही तो बोल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उस संविधान में भाषावार प्रांत रचना की गई, उसमें महाराष्ट्र की निर्माण नहीं हुआ। 106 लोगों ने अपनी प्राणाहुति देकर मुंबई से लेकर संयुक्त महाराष्ट्र बनाया। उसके बाद में पूरी दोबारा जो मराठी बहुभाषी प्रांत थे बेळगाव कारवार निपाणी भालकी बीदर, वो महाराष्ट्र में समाहित नहीं किए गए, इसलिए उन्होंने उस वक्त से आंदोलन किया। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी ने 69 में फिर दोबारा आंदोलन किया। शिवसेना के 69 जनता नागरिकों ने अपनी प्राणाहुति दे दी। आज भी उन मराठी भाषिकों पर वहाँ बेळगाव कारवार में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। Who have been permitted to raise the matters under Rule 377? All of you also, Karnataka members, please, everyone sit down. Sit down, Arvindji, you also. You. Please. रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है, आप ही की बात रिकॉर्ड पर है। आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई है। रामकृपाल यादव जी बोलिए।